गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू द सनपुरी व्लॉग। सो गाइस, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। मैं तैयार हो चुका हूँ, रेडी हूँ, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। और अभी मैं शॉप के लिए तैयार हूँ और मेरे साथ ये जाएंगे अरुण और प्रीतम, इनको अपने हॉस्टल जाना है। तो आज का व्लॉग शुरू करते हैं। हाँ भाई, तैयारी कर दी? तैयार भाई, मेरे नए जूते देखो। कल आया था ना इसका ऑर्डर, शूज का डिलीवरी ली थी कल, शूज की वो वाले शूज है 6 के, विजय के, तो इसने ले लिए। और मेरे वाले इसने ले लिए, रेड टेप वाले इसने। यानी ये बात बतानी जरूरी थी? बहुत जरूरी बात थी ये तो। ये बड़े नकली जूते लग रहे। नकली नहीं, बहुत बढ़िया जूते। और ये सुबह सुबह ले रहा है बाजरे की रोटी है और मक्खन है। यूनिवर्सिटी जाने से पहले दबक की डाइट ले रही है अपनी। उन्होंने अपना बैग पैक कर लिया है, बिल्कुल तैयार हैं एकदम जाने के लिए। सो मेरे साथ जाओगे? हाँ भैया। क्या हो गया गाइस? ये सब्जी लग रही थी उनके पड़ोस, तो वो देख के गए हैं। किस चीज की? कैसी सब्जी है ये? पता नहीं क्या है ये, देसी तुम्बा बोलते हैं। तुम्बा? तुम्बा एक तो ये रहा, एक वो रहा, एक ये रहा, तुम्बा। चलो कोई बात नहीं, ग्रीन वेजिटेबल खानी चाहिए, अच्छी होती है। ये दोनों देखो कैसे लग रहे हैं। आप भी हॉस्टल में खाना नहीं मिलेगा क्या? वहां जाके खा लेना थोड़ा। आज की डाइट बचाने के चक्कर में ही है प्रीतम, यही लग रहा है पहले खाने। और मैं भी खा लेता हूँ इनके साथ, अब मेरे को मन कर गया। बाइक साफ है एकदम, चकाचक है, बस थोड़ी नीचे से इसमें गंदी हो रखी है, नीचे से हल्की सी। ये मैं कल कर दूंगा इसको वॉश बढ़िया तरीके से, बाकी एकदम साफ है, कोई दिक्कत नहीं है। हेलो गाइस, गुड इवनिंग। और अभी मैं शॉप से आया था, मैं खाना वाना खा के डिनर करके अभी फ्री हुआ हूँ। और अभी मेरी बॉडी का फैट बढ़ता जा रहा है और मैं थोड़ा अनफिट सा होता जा रहा हूँ, तो इसलिए मैंने सोचा है कि मैं अभी ना जिम ज्वाइन करता हूँ। और इसके लिए मैंने कुछ सप्लीमेंट भी शुरू किया है मैंने अभी। तो अभी मैंने एक प्रोटीन लिया है, उसका मैं अभी रिव्यू करता हूँ। सो मैं ये प्रोटीन का बाल्टी उठा के लाया हूँ। ये बाल्टी, ये है 4 kg वेट है इसका, और ये मसल ब्लेज का है, वे गोल्ड वे प्रोटीन आइसोलेट। और इसमें 25 ग्राम प्रोटीन और 5.5 ग्राम BCAA और 4.38 ग्राम ग्लूटामिक एसिड है इसमें, और रिच मिल्क चॉकलेट फ्लेवर है इसका, काफ़ी अच्छा है। और मैंने सोचा गाइस कि किलो किलो के हिसाब से लूँगा तो फिर ये महंगा कॉस्टली पड़ जाएगा, इसलिए मैंने ये पूरा 4 kg का उठा के ले आया मैं इसको। ठीक है, मैं इसकी अनबॉक्सिंग तो मैं कर चुका हूँ पहले ही, मतलब मैं इसको खोल चुका हूँ अभी। बाकी देखिए इसमें स्पून भी होगी इसके अंदर, वो देखेंगे बाद में मिलेगी तो। अभी वैसे मेरे पास पहले की एक स्पून पड़ी है, वो यूज़ करेंगे। इसकी स्मेल काफ़ी अच्छी आ रही है, ठीक है, मन कर रहा है कि अभी ले लूँ एक स्कूप। तो बाकी देखते हैं, जैसे ज़रूरत के हिसाब से लेंगे। और इसमें और तो क्या है भाई, इसमें चूज योर प्रोटीन टाइम एज पर योर कन्वेंशन। और इसमें क्या है, बस यही है, इसमें ज़्यादा कुछ खास है नहीं। इसमें भाई एक और सबसे मेन बात ये थी कि इसके कोड दे रखे हैं, ठीक है, मसल ब्लेज वालों ने। इसमें SMS करके कोड को अपने एक्टिवेट कर सकते हैं मसल ब्लेज की साइट पे जाके, ठीक है। और ये अपनी इंडिया कंपनी का है मसल ब्लेज, इसलिए ट्रस्ट कर सकते हैं भाई, अच्छा है मसल ब्लेज का, काफ़ी इसका वो चल रहा है नाम है इसका, काफ़ी पुराना है ये और बढ़िया चीज़ है। बाकी मैंने ट्राई नहीं किया है, फर्स्ट टाइम ट्राई करूँगा, ट्राई करके बताता हूँ इसके क्या रिजल्ट होते हैं। ओके गाइज, और इसके साथ में एक ये मिला है, उस भाई ने एक मेरे को ये चेक कर दिया था, अरुण भाई है, उसकी सप्लीमेंट का स्टोर है,
ठीक है, उस भाई ने मेरे को ये एक चेक कर दिया है, इसके लिए थैंक यू सो मच। इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है और बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी है इसकी भी। ठीक है गाइस, तो मैंने आप लोगों को अभी मेरा प्रोटीन का अनबॉक्सिंग करके दिखाया है, अभी मैं देखता हूँ इसका रिजल्ट कैसा रहता है, क्या होता है इसमें। ठीक है, अभी मैं कल से वर्कआउट शुरू करूँगा। और अभी देखो दूध आ चुका है मेरे लिए, अभी मैं दूध पी लेता हूँ। डिनर की हुए मेरे को 1 घंटा हो चुका है, अभी मैं दूध पी रहा हूँ। सो दूध आ चुका है, ये बहुत ज़्यादा गर्म है, मैं इसको थोड़ा रुक के लेऊँगा। और अभी मैं जैसे ही मेरा वर्कआउट शुरू करूँगा, मतलब शेड्यूल शुरू करूँगा जिम वगैरह, तब मैं इसको छोड़ दूँगा। तो मैं दूध नहीं पीऊँगा, पीऊँगा तो बहुत कम पीऊँगा, 1 कप लेऊँगा, इससे ज़्यादा मैं नहीं लेने बहुत वाला। टेस्टी खुशबू आ रही है इसमें तो, इसमें टेस्टी खुशबू है बहुत और ये यम्मी थी टेस्टी भी वैसे। है। हाँ ले सकती है, अभी रात में हाँ कोई दिक्कत नहीं है, कैसे रात में भी चम्मच लेते खाया हैं। इसकी, इसकी स्पून इसके अंदर है, पता नहीं, देखनी वहां से पड़ेगी। लेके आती हूँ मैं, जरा कुछ चेक करके ठीक है ले देखती आ। हूँ। सो हम अभी प्रोटीन ले रहे हैं, ये स्कूप मेरे पुराने वाले प्रोटीन के उसकी है। ठीक है, ये स्कूप यूज़ कर रहे हैं हम। हाँ इतना ले ले आप, तेरे में डाल लूँ पहले, थोड़ा सा डाल तो, अभी इतना थोड़ी लूँगा मैं। बस टेस्ट हाँ के लिए डाल रहे हैं ना हम तो, हाँ कैसे बस कुछ। टेस्ट करके देख रहे हैं, बाकी मैं पानी में यूज़ करता हूँ इसको, मैं दूध में यूज़ नहीं करता। ठीक है भाई, मतलब बिल्कुल, क्योंकि मैंने इससे बोरा मिला रखा है। मिल्क चॉकलेट का फ्लेवर है इसमें, ओह शिट, तो ये ऐसे ही उड़ेगा, इसने उड़ा दिया फूंक मार के इसको। अभी अरे यार इसको चम्मच से स्पून से मैं कर देता हूँ इसको मिक्स, देखते हैं कितना जल्दी मिक्स होता है इसमें। शेकर में सही से शेक होता है ये, इसमें पता नहीं कैसे मिक्स हो गया है। अभी देखो अभी तक ये मिक्स नहीं हुआ है अच्छे से, ये ऊपर ऊपर अलग से ही वो तैरने लग रहा है इसमें। देखते कितना और मिक्स करना पड़ेगा इसको भाई, उज्जा उज्जा जल्दी, बाकी गर्म भी अभी मेरे से पिया भी नहीं जाएगा। देखो कैसे बुलबुले से बन गए इसके, ये फूट रहे हैं तो इसमें से प्रोटीन पाउडर सा निकल रहा है ये। सो ये होता रहेगा, तो मैंने अभी कर दी है इसकी अनबॉक्सिंग, आप लोगों को बता दिया, अभी देखते हैं इसका रिजल्ट क्या रहता है, अभी शुरू करेंगे तब पता लगेगा। टेस्ट तो अच्छा है ठीक इसका, है, इसका टेस्ट अच्छा है, इसने चेक करके बता दिया अभी। ठीक है तो गाइस यहाँ पे सर्दी बहुत ज़्यादा होने लग गई, इसलिए मैंने कैप लगा ली है। और आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, आज कुछ खास था नहीं व्लॉग, बाकी सुबह मेरे को जल्दी उठना है, वर्कआउट करने जाऊँगा जिम में, और उसके बाद मेरे को शॉप पे भी जाना है, इसलिए मैं जल्दी सो रहा हूँ। इसलिए गुड नाइट, टेक केयर, और आप सभी अपना ध्यान रखिए, सर्दी में बच के रहिए, चैनल को और लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।